नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला जानलेवा इन्फेक्शन बन चुका है कोरोना वायरस। अकेले चीन में 20,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 424 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। चीन के बाहर हांगकांग में भी कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी केरल प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 केसेस की पुष्टि हो चुकी है और केरल में तो कोरोना को राजकीय आपदा तो घोषित किया जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार सामने आने के बाद WHO ने कोरोना वायरस को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अब बीमारी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर सवाल, डर, भ्रम और कंफ्यूजन का माहौल हुआ है। कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, किन लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, इस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में भी हैं तो आज हम देंगे आपको हर कोरोना वायरस से जुड़े हर सवाल का जवाब। कोरोना वायरस का संबंध ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। कोरोना वायरस विषाणुओं के एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 विषाणु ही ऐसे हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस यानी ये नया वायरस पहली बार सामने आया है जो इंसान को संक्रमित कर रहा है। WHO ने इस नए वायरस को 2019 NCOV नाम दिया है। अब तक ना तो कोई वैक्सीन है ना बन सकी है तो इस जानलेवा कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन अब कोरोना से निपटने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आगे आ चुका है। चीन में कहर बरपा रहे नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए अमेरिका एक दवा कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें वह दवा की ऐसी किस्म का इस्तेमाल कर रहा है जिसने इबोल के मरीजों में जीवित रहने की दर को बढ़ाया था। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग तथा दवा कंपनी रिजोरेन के बीच साझेदारी से इस संक्रमण से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल प्रतिक्षा दवाई विकसित की जाएगी। यह एंटी रेट्रोवायरल तथा फ्लू की दवाइयों के इलाज की तरह होगा। एंटी रेट्रोवायरल का इस्तेमाल HIV संक्रमण के इलाज में भी किया जाता है। कोरोना वायरस आउटब्रेक की शुरुआत चीन के वुहान शहर स्थित सीफूड मार्केट से हुई थी और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि सभी बड़े मामले जानवरों से फैले हैं। हालांकि अब नए केस जो सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से फैल रहा है। आसान शब्दों में समझे तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरा व्यक्ति जो उसके संपर्क में आएगा उसे भी यह इन्फेक्शन हो जाएगा। कोरोना वायरस इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हर कोई इससे बचने का तरीका खोजने में लगा है और इस क्रम में आधी जनता सर्जिकल मास्क पहनकर सड़कों पर घूम रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की माने तो मास्क पहनने से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क कम नहीं होगा। सर्जिकल मास्क पहनने से सिर्फ इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा, इससे बचाव नहीं। प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप उन शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं जहां कोरोना वायरस का रिस्क ज्यादा है तो संक्रमित लोगों से दूर रहें। वैज्ञानिक अब भी इस बात की खोज करने में लगे हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस लोगों में कैसे फैल रहा है। बुजुर्गों में मौत के आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैसे लोग जिन्हें पहले से किसी को बीमारी है या फिर वैसे लोग जो लंबे समय से बीमार हैं उनमें भी इस बीमारी या इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक है। डॉक्टर के समूह ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज खोज लिया है और इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस के एक मरीज को HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का एक मिश्रण दिया था। डॉक्टरों की माने तो दवा देने की 24 घंटे के अंदर उस मरीज में सकारात्मक रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अब इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि HIV की दवाइयाँ ही कोरोना वायरस का इलाज है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारे
हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।